देख रहे हैं देश शिक्षा न्यूज। आज प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक के बच्चे लाइव देखेंगे चंद्रयान की लैंडिंग। 25 लाख इन युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। स्कूलों में सुरक्षा के लिए बनेगी SOP। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में अगले माह 3% की वृद्धि संभव। कर्मियों की महंगाई भत्ते में अगले माह 3% की वृद्धि संभव। नई दिल्ली, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जुलाई महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा जल्द होने की संभावना है। खबरों के अनुसार इस फैसले की घोषणा सितंबर में होने की संभावना है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में राहत दी जाती है। यह भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के महीने से जारी किया जाता है, जिसका ऐलान मार्च और सितंबर अक्टूबर के आसपास किया जाता है। पिछली बार मार्च के महीने में 4% के इजाफे का ऐलान किया गया था। खुदरा महंगाई दर जुलाई में 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में सरकारी महंगाई भत्ते DA को 3% बढ़ाकर 45% करने की उम्मीद कर रही है। यूपी सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसले, 25 लाख युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन। कैबिनेट ने दी खरीद की मंजूरी। प्रदेश सरकार युवाओं को हाईटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया। योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। ये स्मार्टफोन स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी आगे के करियर में स्मार्टफोन मददगार साबित होंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इनकी खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इससे केंद्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा। इस संबंध में IT कंपनी इंफोसिस प्रदेश के युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण व स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म प्रदेश सरकार को निःशुल्क दे रही। इसमें छात्र छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाले 3900 कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों को प्रतिमाह 1000 रुपए प्रतिपूर्ति करेगी सरकार। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं के कौशल विकास करने व उनको प्रशिक्षण देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिष्यता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने योजना के तहत प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से किए जाने पर सहमत दी है। उच्च शिक्षा विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। योजना के तहत उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग तकनीकी के क्षेत्र में डिप्लोमा व सभी विधाओं में स्नातक और विद्यार्थियों को केंद्र की नेट्स योजनाओं के तहत निजी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी क्षेत्र के संस्थान ज्यादा से ज्यादा डिग्री व डिप्लोमाधारी युवाओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे, इसके लिए सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह प्रतिपूर्ति राशि देगी। शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। योजना के तहत प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवाओं को 1 साल का रोजगार दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत निजी व सरकारी संस्थानों में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए युवाओं को रखना है और डिप्लोमा धारकों को 8000 और डिग्री धारकों को 9000 रुपए महीने प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के प्रभावी होने से प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं का कौशल विकास किया जा सकेगा। अब किंग, क्वीन और क्राउन का धड़ल्ले से कीजिए उपयोग। गुलामी की कड़वी यादें ताजा करने वाले अंग्रेजों के जमाने के लिए कानून अब नहीं चलेंगे। ब्रिटिश काल में क्राउन, किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था। यहाँ तक इन शब्दों की शान में जरा सी भी गुस्ताखी की और सख्त सजा दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने भागीदारी नियमावली 1933 में संशोधन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेशी भागीदारी अधिनियम नियमावली 1933 में 5वें संशोधन को मंजूरी दे दी है। अभी तक इस नियमावली की वजह से आजादी के 75 साल बाद भी किंग, क्वीन सहित ब्रिटिश राजसत्ता से जुड़े तमाम शब्दों को इस्तेमाल करना भारतीयों के लिए गैरकानूनी था। इन शब्दों का प्रयोग फर्म संस्था द्वारा करना निषिद्ध था। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्तमान भारतीय गणतंत्र में ब्रिटिश राजशाही और सरकार विलुप्त हो गई है, इसलिए इस नियमावली में इन शब्दों पर रोक अनावश्यक हो गई है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 के नियम 16 के स्तंभ 2 में दर्ज इन शब्दों को हटा दिया गया है, यानी अब कोई भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। गुलामी की कड़वी यादें ताजा करने वाले
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में वितरित किए गए झंडों का खर्च पंचायती राज और नगर विकास विभाग वहन करेंगे। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के बजट से 1.5 करोड़ झंडों के लिए 30 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को देने और नगर विकास विभाग के बजट से 50 लाख झंडों के लिए 10 करोड़ रुपए शहरी आजीविका मिशन को देने की मंजूरी दी है। दोनों विभाग ये राशि राज्य वित्त आयोग से मद से देंगे। प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक के बच्चे लाइव देखेंगे चंद्रयान की लैंडिंग आज। शहर के तमाम स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में आज शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए स्कूल महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से सभी को पत्र भेजा गया है। स्कूलों में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी ओर से बच्चों को सीधा प्रसारण दिखाने के लिए आदेशानुसार उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मठ मंदिरों में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए यज्ञ हवन का सिलसिला जारी रहा है। कैसे देखेंगे सीधा प्रसारण? स्कूल और शैक्षिक संस्थानों में आज शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच चंद्रयान की लैंडिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको इसरो की वेबसाइट 222m.net और इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल समेत DD नेशनल चैनल पर देखा जा सकेगा। इसको लेकर स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों की ओर से मैसेज भेजकर बच्चों के आने का आग्रह किया जा रहा है। उधर बच्चों में भी घटना को देखने का जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। वहीं चंद्रयान की सफल लैंडिंग श्रीमद बाघम्बरी शिवकुटी स्थित श्री धर्म संस्कृत विद्यालय शिवकोटेश्वर महादेव मंदिर में भूत पूजन हवन और यज्ञ के जरिए की गई। बंधुआ हनुमान मंदिर में भी प्रार्थना का दौर जारी रहा। श्रीमद बाघम्बरी में हवन पूजन और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। बाघम्बरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलबीर गिरी के साथ बटुक और संतों ने हवन किया। इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से कामना की। शाम को श्री बंधुआ हनुमान मंदिर में आरती के दौरान भी विशेष पूजन हुआ। महंत बलवीर गिर ने कहा चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के लिए हनुमान जी से कामना की गई। इसी कड़ी में श्री धर्म संस्कृत विद्यालय शिवपुरी डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य के सानिध्य में वेद पाठी बटुकों ने महामृत्युंजय मंत्र जाप किया। प्रधानाचार्य नवराज पंत रामेंद्र ओझा नारायण मिश्र अनु हरि और उत्तम के मंत्र जाप में भी शामिल रहते हुए भारत के तकनीकी जगत में चंद्रयान 3 की उपयोगिता के लिए ईश्वर से कामना की। CPI और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में अलग से लगेगी स्क्रीन। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में इसका लाइव प्रसारण दिखाने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों की तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को DIOS PN सिंह और PS प्रवीण कुमार तिवारी जी ने PSA प्रवीण कुमार तिवारी जी ने की। शाम 5:15 से 6:15 बजे तक सभी माध्यमिक व प्राइमरी स्कूल खुले रहेंगे। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ममफोर्डगंज के CPI और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को दिखाने के लिए स्क्रीन लगाई गई है। इन दोनों जगहों को मिलाकर 300 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक सभी स्कूल बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए अलग से खुलेंगे। प्रत्येक शो के पहले देंगे जानकारी। जवाहर तारामंडल के निदेशक डॉक्टर वाई रवि किरण के अनुसार 23 अगस्त को तारामंडल देखने आने वाले बच्चों व बड़ों को भी चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में प्रत्येक शो से पहले जानकारी दी जाएगी। मिशन के संबंध में जिज्ञासा रखने वालों की रुचि के अनुसार वैज्ञानिक सहायक जानकारी देंगे। बता दें कि इस मशीन में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र श्री हरिशंकर गुप्त जी भी शामिल हैं। हरिशंकर की भागीदारी चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 में भी रही, अब चंद्रयान 3 में भी इनकी अहम भूमिका है। इनके अलावा MNIT की छात्रा नेहा अग्रवाल जी की भी मिशन चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका है। MNIT से 2017 में BTEC करने के बाद वह इसी वर्ष बंगलुरु में वैज्ञानिकों की टीम में शामिल हुई। सिविल लाइंस निवासी नेहा के पिता संजय अग्रवाल बैंक में कर्मचारी थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। माँ वंदना सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। इनके परिवार में भी इस खगोलीय घटना को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इस लखनऊ स्कूल महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने प्रदेश के निजी स्कूलों में सुरक्षित परिवेश स्थापित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और जरूरी दिशा निर्देश बनाने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी 1 माह में SOP गाइडलाइन तैयार कर सौंपेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।